पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 14 साल की नाबालिग लड़की से 4 महीने तक बहला फुसला कर मौलाना सोनू हाफिज ने बलात्कार किया, जबकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसे आरोपी ने गर्भपात की दवा खिला दी और लड़की की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और मौलाना की करतूत सबके सामने आ गई। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता इलाके का है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मौलाना सोनू हाफिज को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मां ने बताया कि पीड़ित लड़की के पास ही मौलाना का घर है और अक्सर मौलाना उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। नाबालिग लड़की इस दौरान गर्भवती हुई और मौलाना ने गर्भपात की दवा खिला दी और ये भांडा फूट गया और अब मौलाना सलाखों के पीछे। क्या घटना हो गई आपके? हमारी लड़की के साथ हुई। क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब यही सब हुआ, गंदा काम उसने करा लड़की के साथ। किसने किया? मौलाना हाफिज सोनू ने। कहाँ पे घर है आपका? हमारा बरसाती मस्जिद पर घर है। और मौलाना जी कहाँ रहते हैं? वही हमारे घर के सामने घर। क्या घटना हुई है? ये तो हमें चांद रात को दवा दे गए, मालूम हुआ है। दवा देनी पड़ी? दवा दे गया कि तुम ऐसा कर लो। उम्र कितनी थी? 14 साल। लड़की से कहते थे हम निकाह कर लेंगे, तुम्हें रूम लेके अच्छा रखेंगे, बहुत पैसा है। कितने समय से सब आपको पता चला है? ये हमको डाउट हुआ है का, जाकर 1 महीना पहले बिटिया से हाफिज जी तुम्हें बहुत देख के हंसता, क्या भाई मैं बहन बनाने का सवाल है। बहन दुनिया में कोई किसी को नहीं बनाता। अभी आप कहाँ पे आपने शिकायत करी इसकी? हम बरसाती मस्जिद पास यहाँ शिकायत करने का। नमस्कार सर, क्या बोले पुलिस? क्या बोल रही है पुलिस? वहाँ भेज रही है हमको लड़के घर। लड़के घर जानते हैं, उन्हें जानते हैं। कार्रवाई का आश्वासन दिया कि नहीं दिया? बोला कार्रवाई के लिए। क्या चाहती क्या है? और हम भी चाहते हैं हमारा खर्चा जितना हमने करा था हमें। थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में थाना नौबस्ता पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।